अस्सलाम वालेकुम, आप सबका क्या हाल है। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद अपने जनाब खेतों की तरफ निकला हूँ। तो आप देख सकते हैं ये सारा कुछ धान की फसलें निसरी पड़ी हैं। निसरी का मतलब ये होता है कि ये मुंजरे इनकी निकली हुई हुई हैं, तो ये अब पकने के लिए तैयार हो रहा है। तो जब से बारिश हुई है उससे, तो उसके बाद फिर आज मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। तो देखें, जिधर भी देखें उधर ही ये सारी मंजरें निकली हुई हैं। देख सकते हैं आप, ये जो मैं आपको दिखा रहा था जो बिल्कुल पका हुआ तैयार था, तो इसकी हो गई कटाई। और ये जो हमारा सुपर, ये अभी भी वैसे का वैसा है, इस पर कोई अभी मंजर नहीं दिख रही सिवाय इसके के अंदर भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा सिवाय इसके। ये एक निकले हुई है, इसको जल्दी थी निकलने की। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये जान की फसल जो पकी हुई थी, पकने के लिए तैयार थी, जो मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी, वो अब कट चुकी है। इस दफ़ा धान की जो रेट है वो भी काफ़ी कम है। पता नहीं है इस दफ़ा लोगों का क्या बनता है, क्योंकि पिछली दफ़ा रेट काफ़ी ज़्यादा था, तो आवाम ने बहुत ज़्यादा लगाई फसल। देखते हैं इस दफ़ा आवाम की किस्मत में क्या आता है। तो इन्होंने तो भाई साहब अपने काट के कमाई अपनी जेब में डाल ली ना, तो हमारी जो अभी आप देख सकते हैं कोई मंजर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि सुपर है। उम्मीद थी शायद निकला है, लेकिन अभी तक इसका कोई अच्छा पता नज़र नहीं आ रहा। जनाब मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखें माशाल्लाह कितनी बड़ी यह टाली हो चुकी है। इसे टाली कहते हैं पंजाबी में, उर्दू में पता नहीं, से उर्दू में इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो ये देखें इतना तना कितना माशाल्लाह कितना मोटा है, ये देखें तना कितना मोटा है इसका, तो बेहतरीन है। ये लगाई थी हमने पहले, तो शायद ये बन जाती है, लेकिन ये नहीं बनी। तो ये हमने पहले लगाई थी, लगाकर यहाँ से वहाँ से लाए थे और यहाँ पे लगाई थी, तो ये जो ओरिजिनल थी वो सूख गई थी। तो ये जो नई है ये नीचे से निकला, इसका नया बिल्कुल नीचे से एक नई जड़ नहीं नया पौधा निकला। तो माशाल्लाह कितना मोटा इसका तना कितना मोटा हो चुका है। बस मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा सफ़ेदा जो यहाँ पर खुद ब खुद ही उग चुका है। तो ये भी देखें कितनी बड़ी इसकी हाइट हो चुकी है। पिछली दफ़ा आया था तो ये बिल्कुल ये चावल की फसल के बराबर था, लेकिन आप देखें माशाल्लाह कितना ऊपर चला गया है। ये रही हमारी बेर, माशाल्लाह कितनी बड़ी हो चुकी है। अब इसका डर ये होता है कि ये सर्दियों में सूख जाती है, अल्लाह ना करे इस दफ़ा भी ये सूखे, क्योंकि देखें कितनी माशाल्लाह हाइट हो चुकी है और ये कितनी हरी भरी है। ये ऐसा होता है कि जो सर्दियाँ आती हैं जैसे ही, तो ये सूख जाती हैं इसकी सारी टहनियाँ, उसके बाद फिर ये दोबारा फिर गर्मी आएंगी, उसके बाद ये दोबारा फिर इसकी नई शाखें नए इसके वो कहते हैं नए आंखें इनकी फूटेंगी और ये दोबारा फिर बनेगा। तो अभी तो ये बिल्कुल हरी भरी है, देखते हैं। मुझे लग नहीं रहा कि इस दफ़ा भी यहाँ पर ये सूखेगी, लेकिन क्या पता आगे जा के आ जाए। अपना जो हमारा अपना धान है, चावल की फसल है, तो आप देख सकते हैं तकरीबन कोई भी ऐसी मंजर नहीं है जो ना निकली हो। तो सारी मंजरें निकल चुकी हैं, अब ये पकेगा तकरीबन 3 हफ्ते या 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तो पक्के आना मुझे लगता है, 3 या 2 हफ्ते लेगा। उसके बाद ये भी कटने के लिए तैयार, और फिर इसकी कमाई हमारी जेब में। अंदाज़ा था ये दोनों इकट्ठे ही उसकी मंजर निकलेंगी, लेकिन ये बाजी ले गया है। ये सुपरी है, ये सुपर है, तो सुपर वैसे बाद में पकता है थोड़े टाइम लेके। तो क्योंकि इन दोनों को लगाया था हमने 1 हफ्ते के, सिर्फ 1 हफ्ते का वक्फा था, 1 हफ्ता पहले लगाया था और ये 1 हफ्ते बाद लगाया था, लेकिन ये नंबर ले गया है, तो इसके लिए हम तालियाँ। तो ये हमारे लिए तकरीबन क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं कहते, तो थोड़े दिन रह गए हैं, इसके बाद इसकी कटाई हो जाएगी और इसके भी जेब में, इसके भी पैसे हमारी जेब में आ जाएंगे।
जो हमने सालों साल तकरीबन 2-3 माह से हम इसकी देखभाल कर रहे हैं, तो उसका फल हमें मिल जाएगा। आज आप लड़ाई होने की जगह तो सारी आवाम कटी हो गई है, देख रहे हैं लड़ाई होने। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत मौसम है। हाँ, ये बारिश तो नहीं पड़ी, लेकिन देख सकते हैं क्या खूबसूरत किस्म के बादल नज़र आ रहे हैं। और ये नीचे चावलों की फसल, ये हमारा रास्ता। तो ये देखें जनाब, ये हमारा जो एक अमरूद लगाया था इधर, और इधर ये जनाब जो हमने एक अमरूद लगाया था, इसकी ये नीचे से फूट पड़ा। और बाकी ये जो था यहाँ पे इस पागल के बच्चे ने जो हमारा कट्टा है उसमें आ गया था, तो अब ये नीचे आके क्या खूबसूरत पटक इसकी पूंट निकली हुई है, छोटे छोटे इसके पत्ते। तो देख माशाल्लाह, ये भी अभी तक बिल्कुल ठीक है, ये भी हरा भरा, कितने दिन हो गया। ये जो है ये ना यहाँ से नीचे, इसने यहाँ से नहीं किधर गया, ये निकाली हुई इतनी नई शाखें, कुछ इधर से और कुछ ये नीचे से। और ये ख़त्म, ये जो था इसके पहले जो इसके पत्ते थे वो सूखे, उसके बाद फिर यहाँ पे निकली थी नई शाख है, कहाँ पे गई ये भी सूख गया, ये ख़त्म है अब, मुश्किल से इसको देगा दोबारा। और ये थे हमारे पौधों की कुछ पत्ते, ये भी देख लें, ये काफ़ी हद तक ठीक है। और ये परफेक्ट में दोनों देखने जाएंगे, ये होता है कि कुछ आपको बच जाएंगे, कुछ ये सूप्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। और ज़्यादातर ठीक है, आप ठीक हैं, आप ख़राब है। मजेदार नहीं बैठ।